यहाँ से फ्लाईओवर बनेगा और ये पूरा आपका हरदुआगंज की तरफ जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीवर ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, हम क्वारसी चौराहे पर हैं और यहाँ से बस थोड़ी सी आगे क्वारसी चौराहा, तो वहाँ चल के देखते हैं जो फ्लाईओवर काम स्टार्ट होने वाला था वो कितना काम स्टार्ट हुआ है। तो हम आपको पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो। और आप देख सकते हैं क्वारसी चौराहे से पहले ही यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बनाया है ये ई रिक्शा ऑटो रिक्शा स्टैंड, तो वो काफ़ी अच्छा हो गया, यहाँ जाम वाम नहीं लगेगा। और सामने आप देख सकते हैं क्वारसी चौराहे पे पहुंच चुके हैं और ये फोर लेन हो चुका है। देखिए काफ़ी चौड़ा हो चुका है, ये देखिए आपको अलग ही दिख रहा होगा, काफ़ी चौड़ा। तो ये पूरा फोर लेन हो चुका है, अलग ही व्यू आ रहा है। देखिए काफ़ी चौड़ा हो गया और बैरियर लग गए हैं, यहाँ पर डिवाइडर भी लग गया है और ये ट्रैफिक लाइट लगी है। और सामने ही देखिए सर्किल है यहाँ पर। तो जो रामघाट रोड की तरफ से आ रहा है रास्ता, वहाँ से फ्लाईओवर बनना शुरू होगा और हरदुआगंज की तरफ जाएगा। और हम इधर की तरफ से आ रहे थे, जमालपुर की तरफ से। चलिए इधर की तरफ देखिए, काम स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए रोड काफ़ी अच्छा हो गया है और ये जा रहे हैं हम रामघाट रोड की तरफ। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए जो वो होता है आपका पिलर विलर, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, यहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखिए काम स्टार्ट हो जाए, यहाँ से फ्लाईओवर बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये सब पूरा हटा दिया गया है, तो यहाँ से फ्लाईओवर बनेगा और ये पूरा आपका हरदुआगंज की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। तो अलीगढ़ के ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगी वीडियो। तो ज़्यादा लंबा फ्लाईओवर नहीं बनेगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा चौराहे से पहले और चौराहे हरदुआगंज की तरफ उतर जाएगा। तो बहुत जल्दी मतलब काम स्टार्ट ही हो गया है, 3-4 महीने में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम आपको वीकली अपडेट देते रहेंगे। चलिए अब तक की बात।